स्वागत है दोस्तों आप लोगों का फिर से अपने YouTube चैनल बेसिक टीच क्लब में। तो दोस्तों आप लोग का बहुत कमेंट आ रहा था कि सर चैप्टर नंबर 2 का जल्दी से जल्दी आप MCQ क्वेश्चन करवा दीजिए, कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 2 का जल्दी से जल्दी करवा दीजिए, बहुत कमेंट आ रहा था। तो आप लोग का आज इंतजार खत्म हो चुका है। आप लोग का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 2 सॉफ्टवेयर चैप्टर से आप लोग का कंप्लीट, आप लोग का पूरा चैप्टर का निचोड़ आप लोग का इस वीडियो में मिलने वाला है, ठीक है। कंप्लीट MCQ क्वेश्चन, इससे एक भी बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आप लोग पूरा आप लोग ध्यान से देखिएगा और ईमानदारी से देखिएगा और याद करते जाइएगा, जैसे आप करते जाइएगा पर आप लोग का क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। एक बार नहीं तो दो बार वीडियो देखिए पर आप लोग को आना चाहिए। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरे पर भरोसा कीजिए, ठीक है। तो अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो चैप्टर 1 आप लोग पहले देख लीजिए जा करके, अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे बताएं उसमें, क्योंकि चैप्टर 1 से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन 11th में आता है, ठीक है। चैप्टर 1 आप लोग का पूरा सिलेबस 11th क्लास का पूरा सिलेबस का निचोड़ रहता है चैप्टर 1 में, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में। और आप लोग के लिए मॉडल सेट करवा रहे थे, जो मॉडल सेट 1 मॉडल सेट 2 आप लोग खुद से बना करके आप लोग को वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। जो आप लोग मॉडल सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं किए हैं अभी तक मॉडल सेट तो मॉडल सेट आप लोग कर लीजिए, इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो मॉडल सेट आप लोग जरूर कर लीजिए। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो पहला क्वेश्चन आप लोग का बोल रहा है विच वन नोट टाइप ऑफ वोटिंग। तो आप लोग पहले ये समझिए कि वोटिंग आप लोग का कितने प्रकार के होते हैं। तो वोटिंग आप लोग का दो प्रकार के होता है, कॉल्ड वोटिंग, इसको थोड़ा हटा लीजिए, क्या हो गया भाई। आप लोग का वोटिंग दो प्रकार का होता है, कौन कौन होता है। तो आप लोग का वोटिंग होता है दो प्रकार का, जो उसको बोलते हैं कोल्ड वोटिंग और एक वार्म वोटिंग, ठीक है। तो कोल्ड वोटिंग और वार्म वोटिंग होता है आप लोग का टाइप ऑफ वोटिंग। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नो टाइप ऑफ वोटिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शॉर्ट वोटिंग। शॉर्ट वोटिंग कोई भी आप लोग का प्रकार नहीं है वोटिंग का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो अगला प्रश्न है विच वन इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इनमें से कौन एक एग्जाम्पल नहीं है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कौन एग्जाम्पल नहीं है। तो आप लोग को ऑप्शन दे दिया MS वर्ड, फोटोशॉप, टेली, विंडोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का विंडोज। विंडोज एक, पहले तो आप लोग का एप्लीकेशन है या नहीं है, विंडोज एक एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है, विंडोज एप्लीकेशन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, विंडोज, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ पेस्ट टू फाइल फोल्डर। फाइल और फोल्डर में पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज करते हैं हम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको हटा लेने दीजिए, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे कंट्रोल पी, ठीक है। कंट्रोल पी से हम कुछ भी चीज़ को पेस्ट कर सकते हैं, कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कंट्रोल सी से हम कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे पेस्ट होता है, कॉपी पेस्ट, ठीक है, आप लोग फोन में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि चौथा नंबर द ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच प्रोग्राम वर्क द फिक्स टाइम ऑफ नाउनाइज, ठीक है। फिक्स टाइम जो आप लोग का फिक्स रहता है, ठीक है, फिक्स कौन रहता है, विच प्रोग्राम में फिक्स होता है, जो इसको हम कहते हैं आप लोग का रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको हम क्या कहते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर से आप लोग सुन लीजिए, उसको हम कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो फिक्स टाइम तक रहता है आप लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, प्रोग्राम में फिक्स टाइम तक रहता है, उसको हम कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आप लोग का कुछ भी कभी भी कुछ नहीं होगा, रियल है वो, ठीक है, सब दिन रहेगा। तो अगला प्रश्न है 5 नंबर विच वन आर नो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देख लीजिए, टेक्नोलॉजी ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोगों का कंप्यूटर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है जो टेक्नोलॉजी लगता है, जो हमारे द्वारा टेक्नोलॉजी लगता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा कुछ है ही नहीं है कंप्यूटर में आज तक, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेक्नोलॉजी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ, तो सॉफ्टवेयर किसका समूह है। तो सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम का समूह है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम का एक समूह होता है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का एक समूह होता है प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से दो क्वेश्चन आप लोग को बोल सकता है, ठीक है। तो बोलेगा प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम से मिल करके क्या बनता है, तो आप लोग यहाँ सॉफ्टवेयर बनता है प्रोग्राम से मिलकर के, और सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम, ऐसा आप लोग का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न है 7 नंबर विच वन इज नॉट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन एक सॉफ्टवेयर का टाइप मतलब प्रकार नहीं है।
तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा जो वर्किंग सॉफ्टवेयर, देख लीजिए यहाँ पे सी नंबर में दिख रहा है वर्किंग सॉफ्टवेयर। वर्किंग सॉफ्टवेयर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में अवेलेबल नहीं है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, पर वर्किंग सॉफ्टवेयर ऐसा कुछ भी कंप्यूटर में नहीं होता है। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 8 नंबर। देखिए यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो रहा है, इसी को बोलते हैं कॉपी, ठीक है, कॉपी पेस्ट। तो 8 नंबर प्रश्न है, 8 नंबर क्या बोल रहा है देख लेते हैं। एक कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा होता है, कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है। तो आप लोग को यहाँ पे ए नंबर में दिख रहा है मशीन लैंग्वेज कौन समझता है, कंप्यूटर समझता है, ठीक है। और हाई लेवल लैंग्वेज कौन समझता है, जो हम लोग यूजर समझते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज समझते हैं, ठीक है। और हम लोग कोडिंग या फिर कंप्यूटर में कुछ भी इंस्ट्रक्शन डालते हैं तो हाई लेवल में डालते हैं, फिर वो कंपाइल हो करके कंपाइलर क्या करता है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, बदलता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, मशीन लैंग्वेज। तो अगला प्रश्न है, असेंबलर इज यूज फॉर ट्रांसलेटर ऑफ फोर, ठीक है। तो असेंबलर एक क्या है, ट्रांसलेटर है। आप लोग ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। असेंबलर एक ट्रांसलेटर है जो कौन सा लैंग्वेज किस में बदलता है, ये पूछ रहे हैं आप, ठीक है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि असेंबलर हम लोग को बदलता है लो लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। लो लैंग्वेज से हम लोग को बदलता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, कौन, असेंबलर। और हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कौन बदलता है, कंपाइलर, ठीक है। और लो लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज कौन बदलता है, असेंबलर। आप लोग यहाँ पे 2 क्वेश्चन आएगा, जो अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हो तो पहला वीडियो देख लीजिए, उसमें मैं बताया है जो कंपाइलर और असेंबलर के बारे में अच्छा से, ठीक है। तो अगला प्रश्न है 10 नंबर, विच वन इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे देख लीजिए क्रोम। क्रोम ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जो ऑपरेट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो क्रोम, ठीक है। क्रोम तो एक सर्च इंजन है हम लोग का, जो आप भी मोबाइल में यूज करते हैं क्रोम को, ठीक है, जो सर्च इंजन है, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप लोग का टाइम बहुत कम है, टाइम को बचत करना सीखिए, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, पूरा फोकस के साथ मेरा वीडियो देखिएगा तब समझ में अच्छा से आएगा और बहुत फास्ट आएगा, ठीक है, ध्यान को भटकाइएगा नहीं। अगला प्रश्न है, इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज ये पंच कार्ड, पंच कार्ड यूज हुआ था, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है पंच कार्ड को यूज करते हैं, ठीक है। आप लोग ये पूछ रहे हैं, तो हम आप लोगों को पता होगा कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो पंच कार्ड का यूज करता है, तब एक आप लोग का पंच कार्ड का यूज करके आप लोग का रिजल्ट दिखाता है जो बैच ओएस यूज करता है पंच कार्ड को, ठीक है। आप लोग याद होना चाहिए, वीवीआई इसको मान लीजिए, ठीक है, वीवीआई मान लीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इज एग्जांपल, कौन सा एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये 4 ऑप्शन में, ठीक है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा एग्जांपल है। तो एग्जांपल आप लोग यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही दूसरा नाम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम को ही बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हम फर्स्ट में ही आप लोग को चैप्टर में बता दिए थे कि सिस्टम और सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही होते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही होते हैं, जो फर्स्ट में ही बता दिए थे। आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो आप लोग का आंसर मिल गया होगा। तो अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, देख लेते हैं, हाँ 13 नंबर है, विंडोज इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है, विंडोज इज एन एग्जांपल ऑफ, कौन सा विंडोज एग्जांपल है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, मैं आंसर बता देता हूँ, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है, विंडो इज एन एग्जांपल ऑफ, तो विंडो इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टी यूजर ओएस, मतलब मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का एग्जांपल है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, एम एस डॉस इज ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, एम एस डॉस इज ये होता है GUI, ठीक है, GUI MS DOS इज ये होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दोज OS विच इज लोडेड मल्टीपल टास्क बट परफॉर्म 1x1 इज नॉन एज। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करता है मल्टीपल टास्क से पर काम करता है 1x1, ठीक है, स्टेप बाई स्टेप 1x1 काम करता है, कार्य करता है। जैसे कि आप वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं यूट्यूब में, ठीक है, तो आप लोग को 2-3 वीडियो पसंद आ गया,
तो आप लोग डाउनलोड कर रहे हैं, पर आप लोग को देखिएगा उसमें घूरते रहेगा वो एक ही बार, पर आप लोग का 1x1 उसमें डाउनलोड दिखाएगा, ठीक है। 1, 2, 3 जो होता है, जो 1x1 डाउनलोड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग OS, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग OS बोलते हैं, जो डी नंबर में आप लोग को दिख रहा है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग OS क्या करता है, एक बार और सुन लीजिए, 1x1 काम करता है, ठीक है। कुछ भी चीज़ को 1x1 करता है मल्टी प्रोग्रामिंग OS। तो अगला प्रश्न है 16 नंबर, विच लैंग्वेज प्रोसेसर इज यूज फॉर कन्वर्ट द लो लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज। बहुत अच्छा कंप्यूटर, ये आप लोग का क्वेश्चन है, जो पीछे आप लोगों को बता दिए हैं, जो पहले ही आप लोग देख लिए हैं, ठीक है। आप लोगों को आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, आप लोग कॉमेंट में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि मैं 2-3 बार इसका क्वेश्चन का आंसर बता चुका हूँ आप लोग को। ये आप लोग का SW है, ठीक है। आप लोग को कॉमेंट में बताना इसका आंसर राइट क्या होगा, तो मुझे समझ में आएगा कि मेरा बच्चा कितना पढ़ रहा है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का और इस चैप्टर का, ठीक है। लास्ट वीडियो क्या हो रहा है, विच लैंग्वेज अंडरस्टैंड बाय यूजर, मतलब यूजर जो हम लोग समझते हैं, कौन सा लैंग्वेज समझते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, HLL हम लोग समझते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज कौन समझता है, यूजर। मशीन लेवल लैंग्वेज कौन समझता है, मशीन मतलब कंप्यूटर समझता है, ठीक है। तो आज तक इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल आप लोग का माना जा रहा है, ठीक है। आप लोग का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिए हैं आप लोग का मॉडल सेट 1, 2 और आप लोग का चैप्टर नंबर 1, अगर नहीं देखे तो पहले देख लीजिए, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, तब तक।